हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सबकी अच्छे से चल रही होगी। PCS का एग्ज़ाम इस बार आर या पार हमने कर देना है, ठीक है? बिल्कुल भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। पेपर हमारा क्लियर हम करके रहेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक सीरीज़ चल रही है हमारी विरसा पंजाब दा, जिसमें हम पंजाब से रिलेटेड जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये इसका पार्ट 4 रहेगा। अभी तक आपको इसके 3 वीडियोज़ जो हैं वो मिल चुके हैं, ठीक है? और ये 3 वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? तो अभी तक हमने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखी है पंजाब के बारे में। जैसे हमने पहली लेक्चर में पंजाब की कैपिटल, पंजाब की बाउंड्रीज़ के बारे में देखा। सेकंड लेक्चर में हमने इस पंजाब का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, इन सब के बारे में पढ़ा। थर्ड लेक्चर में हमने पंजाब का स्टेट ट्री देखा। अभी फोर्थ पार्ट में हम बेसिकली पंजाब का क्या पढ़ेंगे, अब हम ये देख लेते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले पंजाब का जो पार्टीशन हुआ, आप सब जानते हैं 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था, ठीक है? इंडिया का पार्टीशन 1947 में हुआ और पंजाब जो था, काफ़ी हिस्सा पंजाब का, प्रोविंस का जो है, पाकिस्तान के पास चला गया। तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद पेप्सू क्या होता है, किस तरह से फॉर्मेशन हुई इसकी, वो सारी चीज़ें देखेंगे और पंजाबी सूबा मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके? तो ये 3 जो हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशंस रहेंगे। काफ़ी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, तो प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। प्रीलिम्स के लिए आई विल से कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब का जब पार्टीशन 1947 में ये डिसाइड हुआ कि अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान जो है इनको दो अलग अलग देश बना दिया जाएगा, तो पाकिस्तान का जो नया पाकिस्तान बनना था, पंजाब का बहुत सारा हिस्सा, जो पंजाब प्रोविंस था उसका बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के पास जाना था। अब ये डिसाइड करने के लिए कि कितना हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा और कितना हिस्सा हिंदुस्तान के पास रहेगा, उसके लिए एक पंजाब बाउंड्री कमीशन बना। अब ये पंजाब बाउंड्री कमीशन जो है, उस समय के गवर्नर जनरल जो थे, उस समय गवर्नर जनरल आपके कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन साहब ने एक कमीशन बनाया 20 जून 1947 को, 20 जून 1947 को, और सर साइरिल रेडक्लिफ को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। जो ये पंजाब बाउंड्री कमीशन था, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया, सर साइरिल रेडक्लिफ को, और इसी वजह से इसको रेडक्लिफ कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है उसको रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है, ठीक है? जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है, ये भी आपके लिए एक फैक्ट है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज इक्वल टू रेडक्लिफ लाइन। ऑलराइट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब इसमें चेयरमैन साहब के अलावा 4 और जो थे मेंबर थे, उन 4 मेंबरों के नाम क्या थे? सबसे पहले आ जाते हैं आपके जस्टिस दीन मोहम्मद, नंबर 2 पर आ जाते हैं जस्टिस मोहम्मद मुनीर, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जस्टिस मेहर चंद महाजन, और चौथे नंबर पर आ जाते हैं जस्टिस तेजा सिंह, ठीक है? तो ये 4 उसके मेंबर्स थे। अब देखो, हर साल जो है क्वेश्चन में बहुत बार रेडक्लिफ साहब के बारे में तो पूछा जा चुका है, लेकिन इन 4 मेंबरों के बारे में पूछे जाने वाले इतने सवाल आए नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अब ये जो बाउंड्री कमीशन है, इसका मेन काम क्या था कि ये पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेज हैं वो पाकिस्तान के पास चली जाएंगी और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेज हैं वो इंडिया में ही रहेंगी। अब क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होगा इसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यहां पर आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन 1947 फॉर पार्टीशन ऑफ पंजाब, ठीक है? इनमें से कौन पंजाब बाउंड्री कमीशन का मेंबर था, ठीक है? ऑप्शंस हैं जस्टिस मोहम्मद मुनीर, बी है जस्टिस मेहर चंद महाजन, सी है जस्टिस तेजा सिंह, या डी है ऑल ऑफ द अबव। अब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या इस तरह का भी सवाल हो सकता था इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, ठीक है? अभी यहां पर तो वाज पूछा है, यहां पर वाज नॉट भी हो सकता था, ठीक है ना? तो दो इसमें पैटर्न आपके क्वेश्चंस के बन सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये 3 थे ऑल ऑफ द अबव, और इनके अलावा एक चौथे भाई साहब भी थे, उनका नाम क्या था आपका, तेजा सिंह। ऑलराइट, तो इस तरह से आपसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। चलिए, अब उसके बाद पार्टीशन आप सब जानते हैं 1947 में पार्टीशन हुआ, जिसको ब्लडी पंजाब पार्टीशन भी कहा जा सकता है। अब इससे पंजाब जो है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अगर आप ये देखो, ये पंजाब का पार्टीशन से पहले का प्रोविंस था जो आपको येलो कलर में दिख रहा है,
और रेडक्लिफ लाइन जो है वो इस पंजाब प्रोविंस के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में से उसने इसको कट किया, ठीक है। तो जो वेस्ट पंजाब था वो चला गया पाकिस्तान के पास और जो ईस्ट पंजाब बचा वो आ गया हिंदुस्तान के पास। तो इस तरह से पंजाब का जो है पार्टीशन हो गया। और जो ये कमीशन था, जो रेडक्लिफ कमीशन था, इसने अपना जो अवार्ड था, जो जिसको पंजाब बाउंड्री अवार्ड या रेडक्लिफ अवार्ड कहा जाता है, इसको इन्होंने 16 अगस्त 1947 को अनाउंस किया। अब ये एक बड़ा मेजर रीज़न था जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सॉरी पंजाब में जो इतनी ज़्यादा वॉयलेंस हुई पार्टीशन के समय, क्योंकि आज़ाद देश हो गए थे, पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी 14 अगस्त को और हिंदुस्तान को 15 अगस्त को, लेकिन अभी तक रेडक्लिफ कमीशन ने अनाउंस नहीं किया था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान को जाएगा। तो पंजाब में बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूज़ ही चल रहे थे कि वो पाकिस्तान में है या वो हिंदुस्तान में है। आप ये देखिए, एक गांव के ऐसा हो रहा था कि एक गांव के दो घर हैं आमने सामने वाले, एक गांव ने ये सोचा कि वो पाकिस्तान में है अपने देश में, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया हुआ था, दूसरे घर ने हिंदुस्तान का झंडा लहराया हुआ था कि ये सोच के कि उसका घर हिंदुस्तान में है। पता दोनों को ही नहीं था कि वो असलियत में कौन से देश में है, ठीक है। और जब फिर ये 16 अगस्त को अनाउंस किया इन्होंने, तब एकदम से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते थे। अगर ये पहले ही अनाउंस हो गया होता, आज़ादी से पहले ही, जो डेट ऑफ इंडिपेंडेंस था 15 अगस्त, उससे पहले ही अनाउंस हो गया होता तो लोगों के पास टाइम मिल जाता अपने आप को मूव करने का, शिफ्ट करने का। पर ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना जो ये पंजाब बाउंड्री अवार्ड जो आज़ादी के बाद इसको अनाउंस किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वॉयलेंस आपको देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि इसने एकदम से बहुत तेज कर दिया माइग्रेशन को, और जो कॉम्युनल डिस्टरबेंस, जो जाति और धर्म के आधार पर हिंसा पहले से हो रही थी, वो और ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ गई। अब जो ये ईस्ट पंजाब का हिस्सा है जो हिंदुस्तान को मिला आज़ादी के बाद, इसके हिसाब से 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान के पास आई, ठीक है। इस ईस्ट पंजाब में 13 डिस्ट्रिक्ट्स थी। अगर हम पूरे पंजाब प्रोविंस की बात करें आज़ादी से पहले, तो इसमें 29 डिस्ट्रिक्ट्स थी, और आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद जो ईस्ट पंजाब बचा, इसमें कुछ 13 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास बच गई। वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी थी, बड़ी ब्रीफली देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा, ये बस आपको ताकि थोड़ा सा ज्योग्राफी का आइडिया हो जाए स्टेट की, इसीलिए यहाँ पर इसको डिस्कस मैंने किया है। तो ये आपके 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इसमें आपको 13 नाम दिख जाएंगे, अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना, फिरोजपुर, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, कांगड़ा, शिमला। अब इसमें आप बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स देखोगे जो अब पंजाब का पार्ट नहीं है, वो या तो अब हरियाणा का पार्ट है या हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, क्योंकि 1966 में पंजाब स्टेट का विभाजन हो गया और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट पंजाब की बात करें, जो पार्टीशन के बाद ईस्ट पंजाब हमारे पास बचा, उसका कुछ एरिया जो था वो इतना था, 37,357 माइल्स, और इसमें पॉपुलेशन जो बची थी पार्टीशन के बाद, दैट वाज 127 लाख, यानी कि 1,27,00,000 लोग कुछ जो है इसमें यहाँ पर बचे थे। अब ईस्ट पंजाब जो है टर्म यूज़ किया जाता था आज़ादी के बाद भी, ठीक है, क्योंकि पंजाब दो हिस्सों में बट गया, वेस्ट पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास, ईस्ट पंजाब हो गया इंडिया के पास, तो इसको ईस्ट पंजाबी बोला जाता था। लेकिन 1956 में ईस्ट पंजाब के ईस्ट को हटा दिया गया और सिर्फ पंजाब रह गया, ठीक है, कि भाई हमें क्या लेना वेस्ट वाले से, अब हमारा तो पंजाब पंजाब है, तो इसमें ईस्ट लगाने का कोई एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, क्योंकि वेस्ट और ईस्ट जब आप यूज़ करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट पंजाब इंडिया का ही है, वेस्ट पंजाब तो पाकिस्तान का था, तो यूजिंग द टर्म ईस्ट और वेस्ट कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता है, इसीलिए ईस्ट टर्म को 1956 में हटा दिया गया और सिर्फ फिर पंजाब नाम यहाँ पर रह गया। चलिए क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन हिस्ट्री का बना करके आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब हैड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर इंडिया वॉज पार्टीशन, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया और वेस्ट और ईस्ट पंजाब बन गया, तो इंडिया वाला जो पंजाब था, यानी कि जो ईस्ट पंजाब था, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स बचे, 10, 13, 15 या 29, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 29 पार्टीशन से पहले थे और पार्टीशन के बाद ईस्ट पंजाब में कितने रह गए, 13। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं पेप्सू की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है। तो पेप्सू की फुल फॉर्म होती है बच्चे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर पटियाला, ई स्टैंड्स फॉर ईस्ट, पी स्टैंड्स फॉर पंजाब, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट्स
एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, ठीक है। तो पेप्सू, अब ये पेप्सू 1948 में बना, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कैसे बना। अब पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन या पेप्सू, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको इनॉग्रेट किया था 15 जुलाई 1948 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है और किसने इनॉग्रेट किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि पेप्सू वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय विच इंडियन लीडर? नीचे ऑप्शंस में रहेगा भाई, नेहरू जी ने किया था, पटेल साहब ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, या कोई और नाम आपको दे देंगे, नन ऑफ द अबव दे देंगे और नहीं कुछ मिला तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये पेप्सू था क्या? पेप्सू को 8 ईस्ट पंजाब की प्रिंसली स्टेट जो हुआ करती थी ना, जो राजा रजवाड़ाओं के अंडर हुआ करती थी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है, छोटी छोटी रियासतें थी। तो अब 8 ईस्ट पंजाब की रियासतों ने अपने आप को मर्ज करके, अपने आप को मिला करके एक यूनियन बनाया जिसको बोला गया पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब ये कौन सी 8 राजा रजवाड़े थे? तो ये 8 राजा रजवाड़े थे आपके ये वाले, पटियाला, नाभा, जींद, फरीदकोट, कपूरथला, कलसिया, नालागढ़ और मलेरकोटला। इन 8 राजाओं ने, इन 8 प्रिंसेस ने इकट्ठे मिलकर के एक यूनियन बनाया जिसको बोला गया पेप्सू, जिसका इनॉग्रेशन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसको एक यूनियन की तरह, या आप लगा सकते हो कि एक स्टेट की तरह फिर इसको चलाया जाता था पेप्सू को। अब जो सरकार थी पेप्सू की, द गवर्नमेंट ऑफ पेप्सू स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 20th August 1948, 20 अगस्त को इसकी पहली सरकार चुन ली गई और महाराजा यदविंद्रा सिंह जो थे पटियाला के, वो पहले गवर्नर या राज प्रमुख बने पेप्सू के, और सरदार ज्ञान सिंह जी जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर बने पेप्सू के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपको याद इसमें होना चाहिए। अब इस पेप्सू की जो कैपिटल थी, पटियाला को इसकी कैपिटल बनाया गया, ठीक है। और पेप्सू जो था ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में आता था, पार्ट बी स्टेट्स हुआ करती थी ना आपकी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे 4 पार्ट बने हुए थे जिसमें अलग अलग स्टेट्स को रखा जाता था और ये क्लासिफिकेशन 1956 तक रहा, ठीक है। तो पेप्सू जो था ये पार्ट बी कैटेगरी में आता था और पार्ट बी कैटेगरी की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो थी वो आपका पेप्सू बना था, ठीक है। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक अपॉइंट किया गया फिर 1953 में, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सबमिट की, और इस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि पेप्सू जो ये यूनियन था प्रिंसली स्टेट्स का, इसको पंजाब से, यानी कि ईस्ट पंजाब या जो 1956 में पंजाब बन गया उसके साथ इसको मर्ज कर दिया जाए, यानी कि पंजाब में ही इसको मिला दिया जाए। और इस कमीशन ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और अल्टीमेटली 1 नवंबर 1956 को पेप्सू और पंजाब को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। पेप्सू और पंजाब को मर्ज 1956 नवंबर 1 को कर दिया गया। तो ये भी एक डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन पेप्सू वाज मर्ज विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, तो यू कैन से इट वाज मर्ज्ड ऑन 1st नवंबर 1956। देखो 1st नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 1st नवंबर 1966 को ही पंजाब और हरियाणा का विभाजन किया गया था, ठीक है। तो 10 साल बाद हरियाणा स्टेट बन गया था, तो ये दोनों चीजें आप इंटर रिलेट करके याद कर लेना, ओके। तो पेप्सू की अगर हम बात करें, द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फर्दर अंडरवेंट अ चेंज ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब इन 1966, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जींद और नरवाना जो पहले तहसील थे, पेप्सू का हिस्सा थे, अब उनको हरियाणा को दे दिया गया 1966 में। जींद और नरवाना जो है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट बने 1966 तक, ये पेप्सू का, मतलब कि जो पेप्सू था पहले उसका पार्ट हुआ करते थे जींद और नरवाना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज योर पंजाबी सूबा मूवमेंट। अब ये देख लेते हैं क्या है। तो ये एक तरह का एजिटेशन था, एक तरह का विरोध था जो पंजाब में ही जन्मा, फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। अब यहाँ पर इस पंजाबी सूबा मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी डिमांड क्या थी कि जो पंजाब प्रोविंस है ना, आप उसको दोबारा से बनाओ, आप उसको, उसकी बाउंड्रीज को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करो, और रीऑर्गेनाइजेशन का तरीका होना चाहिए ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे, कि पंजाबी लैंग्वेज के बेस पे आप जो है पंजाब स्टेट को बनाओ, ठीक है। अब अगर ऐसी एक स्टेट बनती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, पंजाबी स्टेट बनती, पंजाबी लैंग्वेज की स्टेट बनती, तो उसमें ऑटोमेटिकली 60% मेजॉरिटी जो है वो सिक्स की हो जाती,
ठीक है। तो इसी वजह से पंजाबी, जो ये पंजाबी सूबा मूवमेंट के लोग थे, इसको हाईलाइट किस तरह से कर रहे थे कि आप हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट बना के दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिखों के लिए एक अलग स्टेट बना दो, ठीक है, हम ये चीज़ नहीं कह रहे। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आप भाषा के आधार पर बना दो। तो ये इसीलिए ऐसा कह रहे थे ताकि इनको कोई क्रिटिसाइज ना करे कि आप धर्म के आधार पर अपनी स्टेट बनाने की बात कर रहे हो। इन्होंने तो ये शो किया ना कि हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, पर अगर लैंग्वेज के आधार पे भी ये स्टेट बनाते तो ऑटोमेटिकली उसमें मेजॉरिटी सिक्स की हो जाती। तो एक तरह से ये अपना क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहते थे, ठीक है। अब क्योंकि अभी 1947 में ज्यादा समय हुआ नहीं था, 1947 में बहुत ज्यादा वॉयलेंस हो गई थी रिलीजन के बेस पर जब पार्टीशन हुआ, तो जो पंजाब में रहने वाले हिंदू थे वो बहुत ज्यादा चिंता में आ गए कि अगर एक सिख मेजॉरिटी स्टेट बन गया तो वो रिस्क पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से जो हिंदू अखबार थे उस समय के, उन्होंने पंजाबी हिंदुओं को ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम अपनी जो मातृभाषा है उसको डिक्लेयर कर दो कि हिंदी है, कि हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, पंजाबी तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। उससे जो ये पंजाबी सूबा मूवमेंट वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना दो, इनका क्लेम अपने आप खत्म हो जाएगा और तुम माइनॉरिटी बन के नहीं रह जाओगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से काफ़ी जो हिंदूज थे उस समय के पंजाब में रहने वाले, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भैया हमारी पंजाबी मातृभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा है हिंदी, ठीक है। उसके बाद अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था 1953 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने काफी जो है हद तक एक्सेप्ट करी थी बाकी स्टेट्स की डिमांड कि उनको लैंग्वेज के आधार पर जो है बना दिया जाए, लेकिन इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी ये डिमांड कि पंजाबी एक भाषा के आधार पर जो है एक पंजाबी मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए, यानी कि एक स्टेट जहां पर ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं। तो कमीशन ने उसके लिए क्या जो है रीजन दिया, कमीशन ने कहा कि देखो भैया पंजाबी भाषा जो है ये हिंदी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ग्रामेटिकली भी ये हिंदी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, इसीलिए एक पंजाबी मेजॉरिटी स्टेट हम नहीं बना सकते। अब ये इस चीज को, इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के फैसले को अकाली दल के लीडर्स ने बहुत ज्यादा जो है इसके खिलाफ एजिटेट किया, बहुत ज्यादा जो है इसका विरोध किया, ठीक है। और अकाल तख्त जो है उसने भी बहुत वाइटल रोल प्ले किया सिक्स को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि वो एक कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकें इस एक कॉज के लिए, ताकि एक पंजाबी लैंग्वेज स्टेट क्रिएट की जा सके। और दो लीडर्स, जो दो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिनको पंजाबी सूबा मूवमेंट के लिए जाना जाता है, वो है मास्टर तारा सिंह जी और संत फतेह सिंह जी। इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया आपके पंजाबी सूबा मूवमेंट में, ठीक है। अल्टीमेटली यही विल थी जो इस पंजाबी सूबा मूवमेंट की थी, जिसकी वजह से फाइनली गवर्नमेंट ने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का डिसाइड कर लिया 1966 में, और पंजाबी स्पीकिंग लोगों को पंजाब स्टेट में रखा गया और हिंदी स्पीकिंग लोगों को हरियाणा और हिमाचल स्टेट जो है अलग इसको कर दिया गया। तो ये एक तरह से पंजाबी सूबा मूवमेंट की 1966 में यहाँ पर पे विक्ट्री हुई। ऑलराइट, उसके बाद अब ये जो पार्टीशन हुआ था जिसमें पंजाब को और हरियाणा को अलग कर दिया गया 1966 में 1 नवंबर को, इसके लिए भी एक कमीशन अपॉइंट किया गया था बाउंड्री डिसाइड करने के लिए कि कितना हिस्सा हरियाणा के पास जाएगा और कितना हिस्सा पंजाब के पास। तो उसके लिए एक पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया गया। अब इस पंजाब बाउंड्री कमीशन में 3 लोग थे टोटल, और इसके चेयरमैन थे जेसी शाह, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और चेयरमैन साहब के अलावा 2 अलग मेंबर थे, एक थे आपके एस दत्त और दूसरे थे आपके एमएम फिलिप्स, ठीक है। उसके बाद इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, और इसी के हिसाब से पंजाब के 3 हिस्से कर दिए गए, एक बना आपका पंजाब स्टेट, दूसरा बना आपका हरियाणा स्टेट और तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आज हमने पंजाब पार्टीशन के बारे में देखा, पेप्सू के बारे में देखा, पंजाब सूबा मूवमेंट के बारे में देखा, और अल्टीमेटली 1966 का पंजाब पार्टीशन जो आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया उसके बारे में देखा। आई होप आपको यहाँ पर आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट बचता है तो ही कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। लिंक्स आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे रहेंगे। हमारा एक PCS का फास्ट ट्रैक कोर्स भी है जो 5th ऑफ जुलाई से लॉन्च
हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9041244689 के ऊपर, आप हमें मेल कर सकते हैं @sikshit@gmail.com पर। ऑलराइट, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप ऑलवेज पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।